नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं और आज भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए तीन सफलता की अद्भुत कहानियां लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले मिलते हैं चंद्रशेखर मिश्र से और जानते हैं कि किस तरह से पारंपरिक फसलों को छोड़कर इन्होंने औषधि की खेती को अपनाया और इसमें उन्हें अपार सफलता हासिल हुई। नेक इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति, बुलंद हौसले, लगन, धैर्य और अथक परिश्रम, ये गुण जब भी किसी व्यक्ति की पूंजी बन जाते हैं तब वो व्यक्ति चाहे समाज में कितना भी अशक्त क्यों ना हो, सशक्तिकरण की राह खुद ही बना लेता है और ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं समाज के लिए नायक। और भारत में ऐसे नायकों को पैदा करने की अद्भुत शक्ति है, जिन्होंने ये कई बार सिद्ध किया कि नायक का बीज एक छोटे से गांव के किसी भी खेत में अंकुरित हो सकता है। इन नायकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों को भी अपने सपनों को साकार करने में कभी भी रुकावट नहीं बनने दिया। इन अद्भुत नायकों की लंबी फहरिस्त में ऐसा ही एक नाम है चंद्रशेखर मिश्र का, जिन्होंने अपनी अलग सोच और नजरिए से कृषि जगत में अपनी एक विशेष पहचान अंकित करवाई है। गांव में सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जो है उत्पन्न हुई है। लोग पढ़ने के बावजूद भी जो है अच्छी सर्विस न पाकर हताश हो जाते हैं, तो बेरोजगार होते थे। इसलिए मैंने सोचा कि गांव में बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम अपने कृषिकरण की तरफ जो है लौटें। जहां आज के युग में ज्यादातर युवा शिक्षा हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट या फिर आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाने के सपने देखते हैं, तो वहीं कुछ शिक्षित व्यक्ति भी हैं जो सफल व्यवसायों को छोड़कर कृषिकरण को अपना रहे हैं। पिताजी तो हमारे अध्यापक से अध्यापन का कार्य करने के बावजूद भी वहाँ से आने के बाद वो खेती का काम करते थे। हम लोग भी पठन पाठन का कार्य करते हुए खेती को चुना जो है। यकीन माने, विगत कुछ वर्षों में भारतीय खेती और किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारे देश का किसान परंपराओं की लक्ष्मण रेखा को लांघना सीख गया है। लगातार जागरूक होते किसानों ने ये जाना है कि नई तकनीक सीखना, खेती की नई नई विधियां सीखना ही उन्हें तरक्की की ओर ले जा सकता है। कृषिकरण में ऐसी कृषिकरण को अपनाएं जिनमें मूल्य संवर्धित चीजों जो है सम्मिलित हो, जिससे आदमी का इनकम साल भर में प्रति एकड़ कम से कम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी अगर किसान को होता है तब तो वो किसान सरवाइव कर पाएगा। हमने खेत में जो है अच्छे से उत्पादन बढ़ाने के लिए जो तौर तरीके हैं परंपरागत खेती से हटकर मक्के की खेती कर रहे हैं, तो मक्के के बीच में हमने जो है अश्वगंधा के पौधे लगाए, मक्के के बीच में हमने कालमेघ के पौधे लगाए, धान के खेत में हम ब्राह्मी का पौधा लगाए, धान के बीच में हम एकोरस कैलमस बच का पौधा लगाए। चंद्रशेखर मिश्र पिछले 15 वर्षों से वन औषधियों की खेती कर रहे हैं। कृषि पद्धति की खोज के दौरान एक दिन उन्हें उम्मीद की राह तब नजर आई जब एक दिन अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने बस्तर जिले में रहने वाले एक बैंक अधिकारी राजा रामलाल त्रिपाठी के बारे में पढ़ा। मानो उस लेख ने चंद्रशेखर की सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर राजा रामलाल त्रिपाठी के खेतों पर पहुंच गए और उनसे वन औषधियों की खेती से जुड़ी जानकारी हासिल करने लगे। मैं पूरा विजिट किया उनके फार्म पर, मैं वहाँ 10 दिन रहा, 10 दिन रहकर बातचीत करके सब कुछ देख ताक के आया। फिर जिस समय पौधों को उगने का समय होता है उन्होंने सारी चीजें मुझे बड़ी बारीकी से समझाई कि पौधा है, कैसे कैसे उगता है, कैसे बिकता है, क्या होता है। इन सभी बातों को समझने और सीखने के लिए चंद्रशेखर ने राजा रामलाल त्रिपाठी जी के खेतों पर करीब 2 महीने काम सीखा और फिर अपने गांव लौटकर स्वयं अपने खेतों में औषधीय पौधों की बुवाई की और पौधों की औषधीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कर वैदिक पद्धति अपनाई।
लेकिन धीरे धीरे चंद्रशेखर अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते चले गए और फिर एक के बाद एक कामयाबी से उनका हौसला बढ़ता ही चला गया। औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में चंद्रशेखर ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। हमने एक अपना नेटवर्क बनाया, उसका नाम रखा है CHAMF, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मिशन किसानों को कृषि औषधियों की खेती के फायदों के बारे में बताना है। खेती की क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी वनौषधि किस जलवायु में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि जो है किस मिट्टी में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि किस समय पैदा होती है। इस संस्था के चेयरमैन राजा रामलाल त्रिपाठी हैं और चंद्रशेखर स्वयं इस संस्था के कन्वीनर हैं, जिसके जरिए वो पूरे देश में सम्मेलन आयोजित कर किसानों को वनौषधियों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। बनारस के आसपास, हमारे गांव के आसपास, यहां भी लगभग 500 लोग जो है हमारे आसपास के जिलों में जो है, हर जिले में जो है 25, 50, 60 किसान जो है हमारे साथ जुड़कर इस काम को कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी को मिले ये ढेरों पुरस्कार और सम्मान गवाह हैं कि उनका ये योगदान कृषि व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए कितना आवश्यक और प्रभावशाली है। 2020 तक जो हम लोगों का अपना मिशन है कि हम लोग अपने पैर पर जो है अपने संसाधन से खड़े हो जाएंगे, हम लोग किसी मंत्रालय के तरफ, किसी भी अधिकारी के तरफ हमको दया की दृष्टि से देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने मेहनत से, अपने कर्मों से जो है हम उस मिशन 2020 को प्राप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा बदस्तूर बना रहेगा और औषधि उत्पादन में वो कई और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर कृषिकरण को विकास, उन्नति और विस्तार के नए नए आयाम देते रहेंगे, जिससे न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेदिक औषधियों और आयुर्वेद को अपनाकर सभी निरोगी हो, स्वस्थ बने। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक और सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। अगले सफल किसान से मिलने के लिए आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। जी हाँ, ऐसे बहुत से किसान हैं जो रसायन युक्त खेती को छोड़कर रसायन मुक्त खेती को अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ कम लागत लगती है, अच्छा उत्पादन हासिल होता है, बल्कि मुनाफा भी ज़्यादा होता है और प्रकृति के लिहाज से ये अनुकूल तो होते ही हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं राम निवास मौर्य। आइए जानते हैं किस तरह से जैविक खेती के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गाँव के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम निवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राखू खोप चिकनी, राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सावा, कोदो, टांगुन, मिरुआ का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर के या खांची में भर के उठा कर लेके जाते थे, इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे
जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे। जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं, इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक, और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं। तो उससे कम लागत लगता है और जो उपजा जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी मारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, ये कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गोमूत्र रहेगा, गोमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो किसी कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा, जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्या जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने
आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। राम निवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्या जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। हमारे देश में खेती के क्षेत्र में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की भूमिका कहीं ज्यादा है। बात करें अगर मशरूम उत्पादन की तो यहाँ पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। आज की हमारी महिला उद्यमी है निलेशा, जिन्होंने मशरूम से जुड़ी हुए उद्यम को अपनाया और इस क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। मशरूम का ज्यादातर इस्तेमाल ताजे रूप में ही किया जाता है। इसमें करीब 90% तक पानी होता है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन पिछले 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं, फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए वहां मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85-90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है, इसीलिए अब इसे सुखा कर या प्रसंस्कृत करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी ध्येय को दो कदम आगे लेकर चल रही है निलेशा वर्मा जी। वो मशरूम से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। वो मानती है कि उनके उगाए मशरूम में औषधीय गुण भी मौजूद है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी कारगर है। हम मेडिसिनल मशरूम में काम करते हैं, मेडिसिनल मशरूम को उगाते भी हैं और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। हम तीन टाइप के मेडिसिनल मशरूम उगाते हैं, शिटाके, गैनोडर्मा, लाइन्समैन एंड कॉर्डिसेप्स, और हम उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मशरूम जिंजर एल है, शिटाके सॉस है, शिटाके जैम है, शिटाके पिकल है एंड गैनोडर्मा कॉफ़ी है, शिटाके टी है, बहुत सारी इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। निलेशा अपने स्टार्टअप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। वो ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जो बिना भूमि के होते हुए भी मशरूम की सफल खेती कर रही है। निलेशा अब तक करीब 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है। उसके अलावा हम एक सोशल एंटरप्राइज है, जिसमें हम महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को और ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और उनसे बायबैक भी लेते हैं। अभी तक हम 5,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को ये मशरूम की खेती सिखा चुके हैं। हमने उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में अभी शुरुआत की है, MP और राजस्थान में बहुत जल्दी करने वाले हैं। Thank you.
तो देखा आपने, अपनी मेहनत और लगन के बल पर कृषि के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़कर ये तमाम सफल किसान किस तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ सफल किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।